हेलो बच्चों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लिखेंगे शब्द किसे कहते हैं। शब्द बनावट के आधार पर शब्द के भेद। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दो या दो से अधिक वर्ण मिलकर जब एक निश्चित अर्थ देते हैं तो शब्द कहलाते हैं। जैसे निशान, नगर आदि। बनावट के आधार पर शब्दों के तीन भेद होते हैं। पहला है रूढ़ शब्द। वे होते हैं वे शब्द जो एक निश्चित वे शब्द जो एक निश्चित अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो जाते हैं। उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे घोड़ा, लड़का, सूर्य, पृथ्वी आदि ऐसे शब्द हो सकते हैं। और इन शब्दों के सार्थक खंड नहीं हो सकते। पहला था रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द। जो शब्द एक से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे विद्यालय, विद्या प्लस आलय।
भोजनालय। भोजन प्लस आलय। सुशील। सु प्लस सील। तीसरा है योग रूढ़ शब्द। जिन शब्दों के जिन एक से अधिक अर्थ होते हुए भी वे एक निश्चित अर्थ के हो जाते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे अक्षर पंकज आदि। शब्द दो या दो से अधिक वर्ण मिलकर जब एक निश्चित अर्थ देते हैं तो शब्द कहलाते हैं। जैसे निशान, नगर आदि। बनावट के आधार पर शब्दों के तीन भेद होते हैं। पहला है रूढ़ शब्द। वे शब्द जो एक निश्चित अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो जाते हैं उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे घोड़ा, लड़का, सूर्य, पृथ्वी आदि। इन शब्दों के सार्थक खंड नहीं हो सकते। दूसरा है यौगिक शब्द। जो शब्द एक से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे विद्यालय, विद्या प्लस आलय। भोजनालय, भोजन प्लस आलय। तीसरा है सुशील, सु प्लस सील। तीसरा है योग रूढ़ शब्द। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हुए भी वे एक निश्चित अर्थ के हो जाते हैं उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे अक्षर, पंकज आदि।